हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। भाई आज हम देखेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये है 2012 मॉडल। गाड़ी की रोड प्रेजेंस देख सकते हो आप, कितनी बढ़िया लगती है गाड़ी चलते हुए। वो टोल बॉय डिज़ाइन इसको काफ़ी अच्छा चांस दे सकता है प्रॉपर एसयूवी। तो करीबन इसको 10 साल हो गए, तो जो लोग अभी सेकंड हैंड मार्केट में लेना चाहते हैं उनके लिए है ये। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी कुछ दिखती थी आपकी ये स्कॉर्पियो। फ्रंट में बात करें ऐसे कुछ हेडलैम्प थे इसके, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको, नीचे यहाँ फोग लैम्प है और गाड़ी में काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलता। क्या हमने यहाँ पर सामने की तरफ आपको एक क्रोम की फिनिश मिल जाएगी और गाड़ी की लुक कुछ ऐसी लगती है देखो। तो गाड़ी में आपको 2500 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, ये इंजन भी देख सकते हो आप। नई वाली गाड़ी में तो हाइड्रोलिक स्टड्स मिलते हैं आपको, इसमें यहाँ पे आपको मैनुअली ही करना पड़ता है। तो गाड़ी साइड से बात करें तो कुछ ऐसी दिखती है, ये देख सकते हैं। टायर प्रोफाइल और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें 16 इंचिस के टायर मिलेंगे पर इनकी जो विड्थ है वो काफ़ी है, 255-265 की विड्थ मिलेगी आपको। और यहाँ पर कैलिपर्स पेंटेड है गाड़ी के। इसके जो टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको फेंडर एज वेल एज ORVM पे देखने को मिलते थे। अब गाड़ी के पीछे की तरफ और बात कर लेते हैं। गाड़ी तो पीछे से कुछ ऐसी दिखती है आपकी महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये SLE वेरिएंट है। इसमें रियर वाइपर और डिफोगर आता था, यहाँ पे आपको एक खड़े होने के लिए सपोर्ट मिल जाएगी और गाड़ी में आफ्टर मार्केट रिवर्स पार्किंग कैमरा लगवा रखा है। यहाँ पे आपको हाई स्टॉप लैंप मिल जाएगा ऊपर की तरफ। पहले हेडलैम्प की बात करें तो गाड़ी में सिंपल आपको हेलोजन बल्ब मिलते थे देखने को, इनका टोल बॉय डिज़ाइन है जो ये इसके टेल गेट है। गाड़ी के अंदर से और दिखा देता हूँ गाड़ी क्या क्या ऑफर करती है हमें, 10 साल बाद भी आज कैसी लगती है गाड़ी। तो आपको यहाँ पर चढ़ के फुट स्टेप पे फिर अंदर आना पड़ता है। ऐसा कुछ गाड़ी का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, ये आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन लगवा रखी है गाड़ी में। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा आपको देखने का और इसमें आप कुछ अपना स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा, स्टोरेज रख सकते हैं। ऐसे कुछ एसी वेंट आते थे इस गाड़ी में। और ये स्टेयरिंग व्हील है गाड़ी का, यहाँ पर कोई भी माउंटेड कंट्रोल्स आपको स्टेयरिंग के नहीं मिलेंगे। इस तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और इस तरफ आपको लाइट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में बात करें तो इसकी MID कुछ ऐसी दिखती थी। इसमें ये यूनिक बात है कि माइल्स भी दिखाता था, माइल्स पर आर कितनी है गाड़ी की स्पीड, तो किलोमीटर पर आर प्लस माइल्स पर आर दोनों में ये हमें देखने को मिलती थी। तो इसकी MID में दिखा देता है हमें ये फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे 7000 तक की मार्किंग है टैकोमीटर में और ये स्पीडोमीटर है। गाड़ी 110,000 किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ इसमें आपको दिखाता था ट्रिप AB और टाइम। तो ये स्टेयरिंग व्हील की बात होगी, यहाँ से आप स्टेयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और सेंटर में बात करें तो आपको मैनुअल AC देखने को मिलता था। यहाँ पे आपको 4 फैन स्पीड की सेटिंग्स मिल जाएगी और यहाँ पे आप AC का टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ से एयर सर्कुलेशन का बटन मिल जाएगा और गाड़ी का गेयर लीवर कुछ ऐसा दिखता है, ये काफ़ी अब तो अपडेट कर दिया गया है नई स्कॉर्पियो में। यहाँ पे हैंड ब्रेक देखने को मिलता है गाड़ी में और यहाँ पे 4 पावर विंडो मिलती थी उस टाइम भी इस गाड़ी में। देखिए मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इसमें, दोनों के सेपरेट आपको हैंडल्स देखने को मिलेंगे और ये अब बहुत इफेक्टिव है, आप यहाँ पे आराम से हाथ रख के गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। तो हैंडरेस्ट मुझे इस गाड़ी के पर्सनली बहुत पसंद है, आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो, जो ये हैंडरेस्ट है इनको आप फोल्ड भी कर सकते हो। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे कोई भी टिकट होल्डर देखने को नहीं मिलेगा और उस तरफ आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा पर यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे जिसमें कोट हुक का भी ऑप्शन है, चारों जो ग्रैब हैंडल्स है उसमें। और सीट्स की बात करें, फ्रंट की सीट्स ठीक है, हालांकि साइड बॉल स्ट्रिंग इतनी अच्छी नहीं है पर ठीक है। और अब मैं गाड़ी के पीछे से और बता देता हूँ आपको कि गाड़ी कैसी है। और फ्रंट में विजिबिलिटी की बात करूँ ना, ये देखो ये मेरे आँख के सामने है, हाई लेवल पे कैमरा है तो विजिबिलिटी कितनी बढ़िया, मुझे एज टू एज बोनेट दिख रहा है। तो विजिबिलिटी के मामले में तो स्कॉर्पियो बहुत शानदार गाड़ी है। मैं आपको पीछे से और दिखा देता हूँ गाड़ी में कैसा स्पेस है, कि सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है।
तो ये देख सकते हैं आप, अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है। हालांकि जो बैक एंगल है ना इसका रिक्लाइन, वो काफी अप स्ट्रेट है, तो जिसकी वजह से कंफर्ट इतना नहीं मिल पाता, ये थोड़ी सी दिक्कत है। और इसमें आपको एडजस्टेबल दो रियर हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, इस तरफ और एक इस तरफ। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे ये 7 सीटर गाड़ी है, तो यहाँ पे आपको 2 सीट्स मिल जाएगी। हालांकि थोड़ी बहुत जर्नी करनी है तो ठीक है, पर 2 लोग यहाँ पे परेशान हो सकते हैं लंबी जर्नी में। अगर आप इन सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं, उसके बाद गाड़ी में 460 लीटर के आसपास बूट स्पेस हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक लाइट भी देखने को मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं, और ये लाइट फंक्शनल भी है, आप देख सकते हैं हेलोजन बल्ब मिलेगा आपको। और यहाँ पे सेंटर में बात करें कैबिन लाइट की, तो यहाँ पे आपको कैबिन लाइट देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप लाइट ऑन कर सकते हैं। हालांकि एक ही स्मेल फंक्शनल है, वो वाली अभी काम नहीं कर रही। पीछे यहाँ पे आपको एक फोन होल्डर मिल जाएगा, ये पहले के टाइम के फोन के हिसाब से है, अब वाले तो फोन इसमें फिट नहीं आ सकते। और यहाँ पे आपको पावर विंडो के स्विच मिल जाएंगे। एसी वेंट्स की बात करें, यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप फैन स्पीड, ब्लोअर स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सिगरेट लाइटर भी मिल जाएगा नीचे की तरफ देखने को। तो अब ड्राइव करके और देख लेते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो की ये चलने में कैसी है। गाड़ी में बैठते ही ना सिटिंग बहुत लाजवाब है गाड़ी की, आपको एज टू एज बोनेट दिखेगा, ये आप देख सकते हो। तो ट्रैफिक में भी गाड़ी चलानी है ना, तो विजिबिलिटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब गाड़ी को ड्राइव करके मैं बताता हूँ। इस गाड़ी में मिलता है हमें 2500 सीसी का इंजन, और ये टॉर्क जनरेट करता है 277 Nm के आसपास, और इसमें मिलता है हमें 115 BHP की पावर। तो इस इंजन की ड्राइवेबिलिटी बहुत बढ़िया है, तो लो एंड टॉर्क है ना गाड़ी का, बहुत ज़बरदस्त है, आप गाड़ी आराम से सेकंड गियर में भी पिक कर सकते हैं। लेकिन इसका मिड रेंज और टॉप एंड की बात करें तो वो इतना नहीं है, देखो बहुत ही लीनियर सी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। तो ये डिज़ाइन किया गया था कि आराम से, मतलब आप लोड के हिसाब से इसको ट्यून कर रखा था, ताकि आप गाड़ी के लोड को आराम से गाड़ी खींच सके लो स्पीड में भी। तो ये इसके इंजन से रिलेटेड है, लेकिन हाईवे पे आपको ओवरटेक वगैरह करना हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो नई स्कॉर्पियो आ रही है तो इंजन ठीक है गाड़ी का, नई वाली में ज़्यादा पावर जनरेट करता है, जो गाड़ी में नया इंजन आ रहा है तो उसमें आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी, उसका मिड रेंज भी बहुत ज़बरदस्त है। अब गाड़ी की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो गाड़ी की स्टेबिलिटी में बॉडी रोल मिलेगा आपको भर भर के, तो जैसे आप तेज कट नहीं काट सकते इस गाड़ी में। अब गाड़ी के टर्निंग रेडियस की और बात कर लेते हैं, तो गाड़ी का टर्निंग रेडियस ज़्यादा है, ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो गाड़ी का टर्निंग रेडियस आपको एक बार तो बैक करनी ही पड़ेगी। हालांकि जो 10 साल के हिसाब से स्टेयरिंग लाइट ही है इसका, ऐसा नहीं है कि आपको मनूवर करने में गाड़ी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और गाड़ी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इस गाड़ी को साइड दे देते हैं, आपने हॉर्न वगैरह दिया ना तो इसकी अपील इतनी अच्छी है, रोड प्रेजेंस, लोग अपने आप साइड दे देते हैं बड़ा व्हीकल समझ के, तो ये एक और बड़ी खासियत है स्कॉर्पियो की, तो काफी मतलब मजे आते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस देती है गाड़ी आपको। अब गाड़ी की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, नई वाली में कुछ हद तक इम्प्रूव कर दिया गया, पर इस गाड़ी में काफी बॉडी रोल आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप तेज कट नहीं काट सकते, 80-90 की स्पीड है, 70 की भी, तो आप एक ऐसा नहीं, आपने एकदम से कट काट दिया, तो गाड़ी की चेसी सपोर्ट नहीं करती और गाड़ी में बॉडी रोल देखने को मिलता है जिसकी वजह से। तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी ऐसा है कि आप इस गाड़ी को आराम से चलाओ तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा तेज स्पीड में भगाने के लिए गाड़ी नहीं है। हालांकि नई जनरेशन स्कॉर्पियो 2022 में आने वाली है, तो उसमें काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अब गाड़ी के ब्रेक्स की और बात कर लेते हैं, गाड़ी के ब्रेक्स में जो ट्रैवल है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बाइक ठीक है, नई वाली में ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर दिया है। ये देखो जैसे मैं थर्ड गियर लगा रहा हूँ ना, तो गाड़ी का कई बार थर्ड गियर लगता नहीं है, नई से बाइक ठीक है ब्रेक्स की, हालांकि ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा गाड़ी में। और अब गियर बॉक्स की बात कर लेते हैं,
तो गियर का जो आप थ्रो देख सकते हैं वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन स्मूथ है काफ़ी गियर बॉक्स, आप आराम से गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो गियर बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आता है इवन गियर लगाने में गाड़ी के। बस इनका थ्रो काफ़ी लंबा है और स्लोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं अगर आपको गियर चेंज करने हो तो। अब गाड़ी के क्लच की और बात कर लेते हैं, तो क्लच का ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और 1,00,000 चलने के बाद जो क्लच का रिस्पॉन्स है वो थोड़ा टाइट हो गया है, थोड़ा सा आपको उस पर काम करना पड़ेगा। सिटी में हो सकता है कि आपको थकान महसूस हो जाए। ये देखो जैसे आप सामने देख सकते हो कि ये खड्डे आ रहे हैं, तो गाड़ी बहुत कैपेबल है ऐसे मामले में, तो आप इससे अच्छे से ऑफ रोडिंग कर सकते हो। ये वाला वर्जन 2-व्हील ड्राइव है गाड़ी का, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये देखो मैं यहाँ पे ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ गाड़ी में, तो मजे आ रहे हैं इवन गाड़ी चलाने में हमें। ये देखो मानते ही नहीं गाड़ी कुछ खड्डे हैं, आप कैसे भी गाड़ी को ले जाओ। लो एंड टॉर्क कितना बढ़िया है, जिसकी वजह से ऑफ रोडिंग काफी बढ़िया हो जाती है गाड़ी की। ये देखो छोटे मोटे रास्ते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है गाड़ी चलाने में। ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक स्कॉर्पियो खड़ी है। ये देखो हालांकि थोड़ी मूवमेंट मिलेगी, पर इसमें बहुत मजे आते हैं गाड़ी चलाने में। ये देखो आप, तो स्कॉर्पियो लेके एंजॉय आप काफी अच्छे से कर सकते हो। ये देखो सॉफ्ट सस्पेंशन है, तो उसकी वजह से भी ना दिक्कत नहीं आती ऑफ रोडिंग में, इवन मजे आते हैं। ये देखो गाड़ी कैसे भी कहीं भी निश्चिंत हो गए आप ले जा सकते हो, ऊपर नीचे रोड है, काफी फन कर सकते हो आप स्कॉर्पियो के साथ। जो स्टेयरिंग है ना उसका प्ले थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है। ये देखो तो काफी बढ़िया, ऐसे मजे कर सकते हो आप इस गाड़ी के साथ। ये देखो सिटिंग इतनी अच्छी है। गाड़ी आप जरूर प्रेफर कर सकते हो, आपको एक ट्रू एसयूवी मिल जाएगी। लैडर फ्रेम तो बहुत मजबूत है ये, आप इसको कैसे भी रफ एंड टफ यूज कर सकते हैं। हमें इसका नई वाली जो 2022 वाली है उसका और ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेके आएंगे, तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलता हूँ मैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।